अरे दोस्तों, असीस हो जिस असलिंग के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 463 463, और शो का टॉपिक बहुत खूबसूरत, सादिक अपने ईमान में जिंदा रहेगा, सादिक अपने ईमान में जिंदा रहेगा। और जो आज का हवाला बहुत खूबसूरत, हबूक नबी के किताब से और उसके दो बाप उसकी 4 आयत से 6 आयत पढ़ूंगा और उसके बाद 9 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, देख मतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, देख मतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। और यही मेरा टॉपिक है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। बेशक मतकब्बर आदमी मैं की मान दगाबाज है, वो अपने घर में नहीं रहता, वो पाताल की मानद अपने अपनी हवस बढ़ाता है, वो मौत की मानद है, कभी आसूदा नहीं होता, बल्कि सब कौमों को अपने पास जमा करता है और सब उम्मतों को अपने नजदीक फराहम करता है। क्या ये सब उस पर मिसल ना लाएंगे और तंजन ना कहेंगे कि उस पर अफसोस जो औरों के माल से मालदार होता है। टॉपिक तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये टॉपिक ऑटोमेटिकली अपना, अगर हम सादिक हैं, सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा तो हम अपने ईमान में तो जिंदा रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो इसी बाप दो बाप की 9 आयत है, उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नजायज नफा उठाता है, जैसे पहले लिखा है, उस पर अफसोस औरों के माल से मालदार होता है। और 9 आयत में, दो बाप की 9 आयत में लिखा है, उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। और ये जो 9 आयत मैंने पढ़ी कि उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। और ये कैसे हो सकता है कि जो किसी का माल खाए या हेरा फेरी करके बहुत सारी बेईमानी, बहुत सारे रिश्वत सताने के साथ अपना ऊंचा महल बनाता है, लेकिन एक बात मैं, खुदा तो देख रहा है, वो तो देखता है, दिन रात देखता है हमारे दिलों को, हर एक चीज को वो जानता है, वो देखता है, लेकिन दुनियावी तौर पर भी लोग देख रहे हैं कि वाकई ये कितना सादिक और अमीन है, कितना ईमानदार है, कितनी ईमानदारी से ये जो इतनी धन दौलत, ये इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है, वो कैसे इकट्ठी कर रहा है। हम दुनियावी तौर पर भी नहीं शर्मिंदा होते, लोगों की बातों से या लोगों की नजरों के सामने बड़ा फखर करके सीना तान के जाते हैं कि मैंने बहुत महल ऊंचा बना लिया, लेकिन ये महल चुबारे किधर रह जाने, ये इस दुनिया में ही रह जाने हैं, क्योंकि ये तो, और खास तौर पर जब आप बेईमानी की किसी का माल खा के, किसी के साथ हेरा फेरी करके आप ये सब कुछ जमा करते हो, तो ऊपर यहाँ इस दुनिया में तो लोगों को बेवकूफ या जो मर्जी कर लेते हो। लोग भी जरूरतमंद होते हैं, वो जाहिर है कि उनको पता है कि बगैर रिश्वत के काम नहीं होना, तो इस वजह से वो भी मजबूर होकर रिश्वत देते हैं, लेकिन रिश्वत लेने वाला
वो अपने आप में शर्मिंदा नहीं होता कि अगर वो गरीब आदमी जो 20,000 तनख्वाह ले रहा है और आप तो 1,00,000 तनख्वाह ले रहे हैं, जाहिर है जो वो ऊंची पोस्ट पर है तो उसकी तनख्वाह भी ऊंची होगी, तो फिर वो उसको शर्म बिल्कुल नहीं आती कि मैं एक गरीब से 5 या 10 हजार जो है वो रिश्वत ले रहा हूं, और फिर भी वो अपने आप को कहता है कि मैं साधक हूं, मैं अपने आप में बहुत मजबूत है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो साधक अपने ईमान में जिंदा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हम थोड़ी खा ले, कम खा ले, लेकिन अगर हम अपने ईमान में मजबूत हैं, अपने खुदा बाप और बेटे पर अपना पुख्ता ईमान है, तो हम साधक हैं। लेकिन हम चोरी चिकारी इधर उधर के जो पैसे इकट्ठे करके महल बना ले, लेकिन ऊपर हमें वो महल नहीं मिलेगा। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और शहजाद गिल की पहली पोस्ट है, आज शहजाद गिल की 3 पोस्टें ली हैं। तो सबसे पहली, इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक जिंदी जिंदा जिद्दी सॉरी इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से होता है। बिल्कुल, जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। बिल्कुल, क्योंकि ना उम्मीदी वो भी ठीक नहीं, ना उम्मीदी भी गुनाह है, लेकिन हम उम्मीदों से बंधे रहते, हमें अच्छी और सच्ची जो के वाकई हम उम्मीद रखें और साथ साथ खुदा से दुआ भी करते रहें कि खुदावंदा ये मुझे चाहिए, मेरी ये जरूरत है, मुझे इस मेहरबानी कर, मेरे साथ भलाई कर, मुझे मौजा कर मेरे साथ, मैं जो चाहता हूँ मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। वो मांगते वाला को देता है, वो सुनता है, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसलिए उम्मीदें रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हेरा फेरी करना, रिश्वत लेना, झूठ बोलना, नाफकत की बातें करना, वो ठीक बात नहीं। तो हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सामने कितना कुछ भी कोई पड़ा हो, पैसा हो, कुछ भी हो, तो हमें जो है वो अपने ईमान में बहुत मजबूत रहना चाहिए। दूसरी पोस्ट है, धोखा एक फ्रेब है। बिल्कुल, धोखे से बड़ा फ्रेब कौन सा है? धोखा एक फ्रेब है, मंजिल का हर पर ख्याल, धोखा है एक फ्रेब, मंजिल का पर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। बिल्कुल, ये सच्ची बात है कि धोखा जो हम इस दुनिया में धोखा धोखा खा रहे हैं, खुद भी हम जानते हुए कि खुदा बाप हमारा बनजिए दुआलम खुदा का बेटा जो है, लेकिन हम फिर भी शैतान की बातों में आकर धोखे खाते हैं, शैतानी काम करते हैं, अपने ईमान में कमजोर होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने ईमान में कमजोर हैं तो इसका मतलब है कि हम सादिक नहीं है, हम सच्चे नहीं है। लेकिन जो लोग इधर उधर के हेरा फेरी का, वो अपने आप को साधक और अमीर भी समझते हैं, तो सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। जो कुछ भी हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो हम ना समझ पता नहीं क्यों है, हालांकि ये सफर तो वापसी का है। जहां से जितना सफर हम करके आ गए, या जितना सफर हम इस दुनिया में रहते हुए कर रहे हैं, लेकिन ये सफर जो है वापसी भी जाना, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से हमने वापस भी जाना है खुदा के पास। और वहां जाकर हम खुदा फिर देखेगा कि हम कितने अपने ईमान में मजबूत हैं, हम कितने सादिक हैं, हम कितने ईमानदार थे। तो खुदा बाप के सामने जब हाजिरी होनी है तो ये सारी चीजें तो जज होंगी। तीसरी पोस्ट है, वही लोग अनमोल है, वही लोग अनमोल है जो खैर की खबर देते हैं। बिल्कुल, अक्सर आजकल का दौर है कि कोई ना कोई बुरी खबर ही देता है, वो इसलिए कि परेशान करने के लिए। उनकी सोच होती कि जितना भी लोगों को परेशान कर सकते हो उतना ही परेशान कर लो, और इसमें वो कामयाबी होते, चूंकि हम कमजोर
दिल और दिमाग के कमजोर हैं, हम उनकी बातों में आते और परेशानी, तो इसलिए कि वही लोग अनमोल है जो खैर की खबर दे, जो अच्छी खबर देते, खुश रहने की, खुश रखने की, खुदा के ईमान की खबर, वो असल में सादिक और ईमानदार लोग होते हैं जो अच्छी खबर देते हैं। परेशानी में दिल दिल सह लेते हैं, अकल की बात करते हैं, परेशानी में दिलासा देते हैं और अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में असलाह करते हैं। बिल्कुल जो भी आपका दोस्त है वो हमेशा आपको तन्हाई में बैठ कर, तन्हाई में ही आप अकेले हो, अकेले में बैठ के कोई आपकी सलाह करेगा, भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये ना करो, ऐसे ना करो, इससे आपका ईमान कमजोर होता है। इसलिए ये झूठ वाली जिंदगी या हेरा फेरी या रिश्वत शैतानी या मा जो भी है इसको खत्म करो, या कोई भी और घरेलू प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है घरों में, क्यों नहीं प्रॉब्लम होते, तो लेकिन वो अक्लमंद लोग होते हैं और किस है, सच्चे लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो असलाह भी तन्हाई में करते हैं। ये नहीं कि 10 बंदे बैठे हो और आपकी असलाह भी करें और बेइज्जती भी करें, वो बहुत शैतानी ईमान के लोग होते हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और आपको जितना चाहे वो जलील करने की कोशिश कर, लेकिन अकल की हमेश आपने कोई लालच नहीं रखते, जो तन्हाई में सलाह करते हैं वो लालच नहीं रखते और वही अच्छे और सादिक और अपने ईमान में मजबूत हैं, तो वो ऐसे लोग किस कीमत से नहीं, ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। और आजकल के दौर में तो बिल्कुल ये 100% सच्ची बात है कि आप पैसा जितना मर्जी जेब में रख के ढूंढो ऐसे आदमी खरीदने के लिए, तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैसा तो आप खर्च कर देंगे, क्योंकि हेरा फेरी वाले और जो शैतान के चेले वो तो पैसा भी ले लेंगे, लेकिन जो उसकी आदतें हैं या जो शैतानी हरकतें हैं उनसे तो वो बात फिर भी नहीं आएंगे। इसलिए ये बड़ी किस्मत की पास तक बात है कि अगर आपके साथ आपका कुछ दोस्त अच्छा है तो। उसके बाद टीना विलियम, मेरी बहन इटली से, आपसे 100 साल बाद, आज से 100 साल बाद जब हम कब्रों में होंगे तो कोई ये याद नहीं रखेगा कि हम कैसे घर में रहते थे। बिल्कुल ठीक बात है, जो जिंदा उनको तो अपने लिए कुछ करना होता है, ये वो ईमान से करे या बेईमानी से करे, जो कुछ भी उनको तो जो एक बार गुजर गया, चाहे वो किसी महल में रहता हो किसी जगह भी, उसको तो लोग भूल जाते हैं। आज से 100 साल बाद हम कमरों में होंगे तो कोई ये याद नहीं रखेगा कि हम कैसे घर में रहते थे या कैसी कार में सफर करते थे, बल्कि यादें रहेंगी तो हमारे अमल की, यादें क्या रहेंगी, हमारे अमल की, हमारी नेकियां, हमारा इखलाक, वो चीजें याद रहेंगी कि जो नस्ल दर नस्ल आपके जो जहां भी किसी शहर में किसी गांव में आप हैं, तो फिर वहां के लोग, वो बातें तब्दील होती जाती है। हमने जो बचपन में बातें सुनी कि फलाना बहुत दलेर आदमी था, बहुत खिलाड़ी था, बहुत अच्छा था, या बहुत अच्छा कलाम सुनाता था, ऐसी बातें आज भी गांव में मशहूर हैं जहां भी आप रहते हैं। तो जाहिर है जब हमने जो कुछ किया हो, अगर अखलाकन अच्छे काम किए हुए हैं, हमारे माँ बाप ने अच्छे किए हुए, ये कोर्ट भी कई लिहाज से खुदा ने हमने सिफतें दे रखी होती हैं, तो वो हम उन तोड़ों को इस्तेमाल करते, तो वो जिंदगी जाने के बाद भी लोग याद रखते हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद जीम फे गौरी इटली से, बहुत खूबसूरत, शायद बहुत नामवर लिखारी, उन्होंने लिखा है, शहर के सर्द मौसम की आजकल कैद में हूँ, इस शहर ने आजकल तो सारी दुनिया में ही सर्दी के कैद में, मैंने देखा कि पाकिस्तान में कभी भी इतनी स्नो नहीं पड़ी थी जो आजकल स्नो पड़ रही है, ना कभी मेरे ख्याल इतनी सर्दी हुई, क्योंकि कराची तो एक आम मौसम होता है, क्योंकि समुंदर है तो ना सर्दी इतनी ना गर्मी इतनी, लेकिन वो भी चूंकि कोयटे में
बहुत स्नो पड़ी और जब क्वेटे में सर्दी होती तो फिर कराची सर्द हो जाता है। तो ऐसी सर्दी में तो भाई हम भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी स्नो तो बहुत पड़ती, इटली में भी कम नहीं होती, तो यूरोपियन मुल्कों में, इन सारे मुल्कों में तो सब सर्दी ही सर्दी है। तो हम सब भी सर्दी में शहर के सर्द मौसम की आजकल कैद में हूं। मुझको अगर आकर मिलने अगर मुझको अगर मिलने आओ तो थोड़ी सी धूप लाना, ये तो यार मुश्किल काम है, धूप तो नहीं ला सकते, दुआ दे सकते हैं और ये तो हम करते रहते हैं क्योंकि मेरा शो ही सच्ची और अच्छी बातों का। खुदा आप सबको इसी तरह बरकतों और फजलों से नवाजे और जो काम भी खुदा ने आपको जो भी तोड़ा दिए रहा पर उसको चमकाते रहे, ये काम जो है वो करते रहे। सर्दी और गर्मी तो अगर खुदा की बरकत आपके साथ है और अगर आप तो अपने ईमान में मजबूत हैं और जिंदा हैं तो फिर सारे काम होते रहेंगे। सर्दी या गर्मी या मौसम आप पर कोई असर नहीं कर सकता। हो सके तो मेरे गुजरे दिन रात भी जमा करना, क्या बात है, गुजरे दिन के साथ रात भी जमा करना और साथ अपने अधूरे ख्वाबों को भी लेकर आना, बहुत खूबसूरत लिखा है। तो ये तो गौरी साहब आप खुद समझदार हैं, लिखा तो आपने बहुत अच्छा है। हो सके तो मेरे गुजरे दिन रात भी जमा करना, क्योंकि माजी तो जो गुजर जाता है, जो वक्त गुजर जाता है, मैं और आपने ही जमा कर सकते तो कौन जमा रख सकता, किसी को क्या जरूरत है, ना इतना किसी, वो तो अपने दिन गिन ले कि वो जैसे हम कहते हैं कि खुदा बाप जी हमने अपने दिन गिनना सिखा। तो अगर हम अपने दिन ही गिनने सीख लें कि हम जहां से आए हैं, जिस जगह से आए हमें वहां जाना ही जाना है। बहरहाल बहुत खूबसूरत लिखा, ये जंग तो सितारों पर कमांड डालने की है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल जो ये आजकल का माहौल जंगो जदल का बना है उस हवाले से गौरी साहब ने लिखा कि ये जंग तो सितारों पर कमांड डालने की है, मगर हर जंग तुझे भी मारने की है। जो भी जंग करते हैं या जंग जो भी इस ऐसा माहौल पैदा करते हैं या कोई वजह हो जाती है तो फिर जंग तो हम ये नहीं कि जो जंग कर रहे हैं या जो सिपाही लग रहा है उस पर कोई हमला नहीं होगा या वो जिंदा बचेगा। जहर जब आप जंग में जाते हैं लड़ते हैं तो फिर आजकल की जंग तो गोलियों की, बम्बों की, मिसाइल की, तो किस वक्त किसी ने भी घायल हो जाना है, किसी ने उस जंग की लपेट में आ जाना है या उस गोली के किसी भी जो गोली उसके लिए लिखी गई है उसकी लपेट में आना है, तो फिर जंग तो सबके लिए बराबर है। तो इसलिए ये जंगो जदल के माहौल को टालने के लिए हम दुआ जरूर करें कि इस जंग के माहौल से कुल आलम को, सारे मालूम एशिया को, खासतौर पर अपने मुल्क को जो इंडिया और ये आंखें हर वक्त दिखाते रहते हैं जब से भी अलहदा हुए हैं, इनकी जंग, कश्मीर की जंग, ये सारे सिलसिले, इस्लाम की जंग, हिंदुइज्म की जंग, ये जंग जारी रहती है। इसलिए कि वो सादिक और अमीन भी नहीं और अपने ईमान में कमजोर है, इसलिए इन लोगों के जो मजहब है, मजाहिब है, वो खतरे में पड़े रहते हैं। उसके बाद तीसरी पोस्ट है टीना विलियम की, नए दिन की गुल हसी परेशानी हम देखते हैं, सारी उसका शेर है जिम्फे गौरी का, नए दिन के गुल हसी हर सितारे हम देखते हैं, तुझे पा लेने के वाजे इशारे देखते हैं, क्या बात है। तो बिल्कुल आप इशारे देखें जो आपसे, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, किस लिहाज से करते हैं, तो जाहिर है कि अगर आप अच्छे और सच्चे हैं, दिल से प्यार करते हैं या दिल से चाहते हैं तो वो जरूर आपको तुझे पा लेने के वाजे, तो फिर जाहिर है कि आपका अगर दिल साफ है और सादिक है, ईमान में मजबूत है कि मैं अच्छी और सच्ची मोहब्बत पालूंगा तो जरूर ये आपका जो काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद राबिया ईमान आलमी से बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, मुझे लोगों से किसी चीज की तवक्को नहीं, बड़ी बात है,
हमें तवक्को रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम दूसरों से तवक्को रखते रखते जो कुछ हमारे पास होता है वो भी जाया कर लेते हैं। मुझे लोगों से किसी चीज की तवक्को नहीं, क्योंकि इज्जत और नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है, सब खुदा बाप और खुदा बेटा देता है। तो इसलिए हम क्यों ईमान में कमजोर होते हैं, क्यों हम कमजोर हो जाते हैं कि हम किसी से कोई हमारी इज्जत करेगा या हमने कोई चीज या कोई भी हमारी जरूरत है वो पूरा करेगा, क्योंकि इज्जत और नाम शोहरत सब अल्लाह की तरफ से है। ये प्रवीण शक्कर की पोस्ट है। उसके बाद दूसरी बात, तीन बातें हैं राबिया वान की, अपनी आवाज बुलंद करने की बजाय अपनी दलील बुलंद करो कि जो आप जैसे झूठ बोलने के लिए हम जोर से पूरी आवाज से बोलते हैं कि ये जो झूठ है ये मेरा सच साबित हो जाए। तो अगर आप उस सच को दलील वाकई आप सच बोल रहे हैं तो दलील भी मजबूत दलील सच्ची दलील कि आप जो कुछ कह रहे हो वो सच कह रहे हो तो आवाज बुलंद दलील बुलंद करो को, क्योंकि फूल बारिश बारिश के बरसने से खिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फूल बारिश के बरसने से खिलते हैं और बादलों के गरजने से नहीं। बादल तो भले कितने मर्जी गरजते रहे, फूल तो तब भी खिलेंगे, खुशियां तब भी आएंगी कि जब खूबसूरत बारिश जो बरसेगी, जो खुदा की रहमत की बारिश अगर बरसेगी तो फिर हमारा जो कुछ भी फूल है या जो खेती बाड़ी जो कुछ भी होता है वो खूबसूरत होता है। क्योंकि अगर हम जो काम भी करते, अगर हम दुआ करके, पुराने जमाने में जो ये लोग हल चलाते थे जमीनों पर दुआ करते थे, ऊंची ऊंची इकट्ठे होकर दुआ करते थे, जैसे खास तौर पर गन्ने की फसल लगाते थे और ये खुदा के सामने रखते थे कि खुदा हमारी इस फसल को, तो वैसे भी दुआ तो करते थे कि हमारी इतनी मेहनत रहेगा ना जाए कहीं कोई तूफान से, या आजकल जो टिड्डी दिल का हमला, उस दौर में बहुत टिड्डी दिल का हमला, तो आजकल पता नहीं कभी फिर देख रहा हूं मैं खबरों में भी, फिर भी हमले हो रहे। तो ये भी एक किस्म की अजमाइश या खुदा की तरफ से कोई ना कोई ऐसी जरूर बात होती है कि जिससे हम परेशान खुदा को नाराज करते हैं। और हाँ, मेरे ऊपर कोई ना कोई आफता आती रहती है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, बहुत छाले उसके पैरों में, कम वक्त असूलों पर चला होगा। बिल्कुल ये ठीक बात है, जो भी असूलों पर, जो सादिक और अपने ईमान में जिंदा रहता है वो जाहिर असूल प्रस्त भी होता होगा। तो जो होता है वो वाकई उसके पैरों में छाले या उसके साथ मुश्किल आते हैं तो बहुत आती होंगी, बेहसाब हसरतें ना पालिए। बिल्कुल ये सही बात है कि बेहसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। बिल्कुल, हम इधर उधर की जो हम हसरतें रखते हैं, हम ये भी हो जैसे हम एक हमारे साथ या पड़ोस में, हमारे गांव में या शहर में कोई बेईमान जैसे मतकबर या मखरूर आदमी या हेरा फेरी बेईमानी से हम वो देखते हैं कि वो बहुत कुछ करता है लेकिन उसमें बरकत तो नहीं है। बरकत तो जो आप थोड़ा बहुत ही रखते हैं बरकत तो उसमें होगी। इसलिए हमें बेहसाब हसरतें या बे जो जो हमारे ऊपर नहीं जरूरत से ज्यादा उम्मीदें या ये रखना वो ठीक नहीं। जो कुछ मिला है, जो कुछ मुझे और आपको मिला है, हमें उस पर ही यकीन करना चाहिए और अपने ईमान में सादिक और ईमानदार रहे तो खुदावंद बरकत देता है, क्योंकि वो हमारा खुदा बाप और बेटा है। हर वक्त हमें देखता है कि हम कितने अच्छे हैं, हम अपने ईमान में कितने मजबूत हैं, अपने ईमान को कितना जिंदा रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट राबिया। उसके बाद आम आदमी की पोस्ट है, कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते ही रहते हो और वो लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं कि वो जानते हैं
कि हर किसी को अपनी दुखी होने की वजह बताने से बेहतर है कि हमेशा मुस्कुराते ही रहो। और लोग समझते हैं कि शायद इनकी जिंदगी में इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। ये ठीक बात है कि हम परेशानी का शोर शराबा क्यों करें, कि जो भी दुखी हैं हम, जो भी मसला है वो हम खुदा के सामने रखें, क्योंकि अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम जो दूसरों के सामने रखते हैं, अगर हम खुश रहते हैं हर हाल में, अगर एक वक्त भी हमें रोटी खाते हैं, लेकिन जो सूखी रोटी भी खाते हैं, तो अगर हम बाहर हंस के निकलते हैं तो लोगों को, तो लोग तो पहले ही ऐसी बातों के, यार ये है भी गरीब तो फिर ये इतना खुश क्यों रहता है, इसको क्या वजह। तो हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, जो भी खुदा ने जितनी भी बरकत दी है उसमें रहे, लेकिन अपने ईमान को अगर मजबूत रखते हैं, अपने ईमान को जिंदा रखते हैं, तो फिर खुदा हमने और बरकतें देता जाएगा। अगर हम इधर उधर जाके गिला करेंगे तो इसका मतलब है कि हम खुदा की नेमतों का गिला करते हैं, लेकिन जो कुछ भी नेमत हमारे पास है उस पर ही सब्र व कनायत करें और उसी उसी में जिंदगी गुजारे, तो उसमें ज्यादा बरकत होगी। इसलिए हमने अपने ईमान में हमेशा जो है सादिक, और सादिक अपने ईमान में जिंदा रहेगा, और हम अगर ईमान में मजबूत है तो हम जिंदा रहेंगे। जरूरी नहीं कि इस दुनिया में, असल जिंदगी तो जो खुदा बाप और बेटे के पास होगी वो जिंदगी होगी। बहुत खूबसूरत पोस्ट, उसके बाद फिर रब्या ईमान की पोस्ट है, बहुत अच्छी ये पोस्ट है, सच्ची और अच्छी पोस्ट है। और वाकई ये जो कुछ होता है माँ के हवाले से वो बिल्कुल सही लिखी गई पोस्ट। औलाद की गलत तरबियत का ताना हमेशा माँ को दिया जाता है, और बिल्कुल ये सही बात है कि बच्चा बिगड़ गया किसी वजह से, बाप भी शाम को काम से आया, उसने भी आकर माँ पर ही सवारी डाल दी कि तुम बच्चे का ख्याल नहीं करती हो, ये है वो है। लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं कि जो बच्चे की तरबियत खराब होती है, वो आगे लिखा है, जबकि तरबियत किसी एक मर्द की कोशिश और जिम्मेदारी नहीं होती, एक सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं। और हमारे खासतौर पर हम जो एशिया में लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान, हम तो इकट्ठे रहने जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें ताए चाचे की अपना फूफियां मासियां सारे, चूंकि खुला आना जाना, तो ये सारी चीजें तरबियत में होती है। तो घर का माहौल, अफराद का रहन सहन, बाप और घर के दूसरे अफराद की शख्सियत, गुफ्तगू और करदार भी असरअंदाज होते हैं। आखिर ये बात किसी की समझ में क्यों नहीं आती। हम कई बार, मैंने इस पोस्ट को पढ़ा ऐसे इसलिए कि हम माँ बाप जो है बच्चों के सामने ही हम अपने खानदान की, अपने दोस्तों की, अड़ोस पड़ोस की बुराइयां खूब खूब करते हैं, और वो बुराइयां बच्चों के जेहन में भी पड़ जाती हैं, और फिर वो जब बड़े जैसे जैसे होते हैं फिर वो मुखालफते हैं कि जैसे अगर आपके खूनी रिश्ते हैं, चाचे ताए हैं, बाबे हैं, मासियां फूफियां, तो फिर वो बातें उनके जेनों में बैठ जाती हैं, और वो फिर बड़े होकर भी उनको अच्छा नहीं समझते। इसलिए हमने अपने बच्चों के साथ कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल जो भी अगर आप करना चाहते हैं, जब बच्चे घर नहीं स्कूल गए हैं या अपने कमरे में या तन्हाई में बैठकर कोई भी बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है बच्चों की तरबियत के लिए। और दूसरी बात, घर का माहौल बहुत असरअंदाज करता है बच्चों पर, घर का भी और मोहल्ले का माहौल, के मोहल्ला कैसे, गाली गलौज हेरा फेरी इधर उधर की, ये सारी बातें फिर वो बच्चों को, अगर मैं कहूं कि वो सादे को उम्मीद नहीं रहते, वो ईमान में कमजोर पैदा होते हैं, ईमान की कमजोरी। अगर हम उनके सामने खुदा की सच्ची और अच्छी बातें, तालीम की बातें, मजहबी तालीम की बातें करें तो तरबियत अच्छी होगी, पाक कलाम सिखाएं, खुदा की बातें, खुदा के हुक्म की बातें करें, तो शायद बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद
शाजिया भट्टी लाहौर से, उन्होंने दो एक शेर और एक पोस्ट बहुत अच्छी लिखी। अदब की बात है वरना मनीष सोचो तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम अदब की बात, हम अगर अदब वो अदाब जानते हैं तो बहुत सारी चीजें हम बर्दाश्त करते हैं, इसलिए ये अदब की बात है कि सोचो मनीष, जो शख्स तन्हा है वो बोल भी सकता है कि हम अदब और अदाब से या किसी वजह से, कमजोरी की वजह से नहीं या अपनी अच्छी तरबियत की वजह से मुंह बंद रखते हैं, लेकिन जो शख्स तन्हा है वो बोल भी सकता है, वो तन्हाई में खामोश रहता है कई बातों से, कई वजूहत से, तो फिर लेकिन अगर वो बोलेगा तो फिर बहुत बुरी तरह बोल, जिस तरह हम देखे मुर्दा बोलेगा तो कपड़ पाड़ेगा, तो फिर वो जब भी बोलेगा तो फिर पता चलेगा कि वाकई वो भी बोल सकता है, उसको भी अकल और दनाई है। दूसरी बात शाजिया भट्टी की, इंसान अंदर और बाहर से एक हो, हम बाहर से भी जैसे अंदर हमारा साफ है, दिल हमारा साफ है, दिल खूबसूरत है, तो हम बार अपने चेहरे को भी उसी तरह खूबसूरत दिखाएं, मुस्कुराएं हर तरह से, तो अगर हम बार अंदर से सुकून में हैं तो रात को सुकून की नींद सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम इधर उधर की बातें, शैतानी ख्याल, शरारत की बातें, एक दूसरे को परेशान करने की बातें, तो फिर इसका मतलब है कि अंदर हमारा ठीक नहीं है। अगर अंदर भी ठीक है, चेहरा भी ठीक नजर है, तो आप सुकून की नींद रात को सोते हैं और सुबह आपको सुकून से खुदा मीठी नींद देता है, सुकून से सुबह अपने बेड से नीचे लाते हैं, ताकि जो भी दिन भर के आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सुबह उठ के उस पाक खुदा का नाम जरूर लें, चाहे चंद मिनट उसको दें। उसके बाद उर्दू गजल की पोस्ट है, मोहब्बत समेट लेती है जमाने भर के रंजों का गम, इसमें कोई शक नहीं, अगर वाकई आज दुनिया से क्यों गिले शिकवे हैं, हर पोस्ट ही गिले शिकवे की लिखी जाती, पुराने जमाने में कहते थे और पुराने बातें लिखते तो लिखते, उस वक्त प्यार मोहब्बत सब कुछ मौजूद था और आजकल क्यों नहीं है, ये क्या वजह है? इसलिए कि हम सादक नहीं रहे, हम अपने ईमान में मजबूत नहीं रहे, हम अपने ईमान को जिंदा नहीं रखे हुए, खुदा के कलाम की बातों को और मोहब्बत की बातों को, कोई खुदा मोहब्बत है, हम उन बातों को भूले हुए हैं। मोहब्बत समेट लेती है जमाने भर के रंजो गम, सुना है दोस्त अच्छे हो तो कांटे भी नहीं चुभते, दोस्ती के भी बड़े गिले हैं आजकल, क्योंकि यही गिला है जी, दोस्त अच्छे नहीं मिलते, दोस्त क्या रिश्तेदार बहन भाई अच्छे नहीं मिलते आपके, वो आप उनके चेहरे को तो देख लेते लेकिन आपको पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, ये अंदर हमारे साथ कितना सच्चा है, या वक्त आने पर हमारे लिए क्या हमारे लिए कुछ कर सकता कि नहीं, लेकिन ये बात है कि वक्त समेट लेता है, अगर वक्त समेट ले एक दूसरे के हम दुख तकलीफें समेट ले, एक दूसरे की दुख तकलीफ को जाने, तो इसका मतलब है कि हम सादिक हैं, ईमान में मजबूत हैं, खुदा के पाकलाम को समझते हैं, क्योंकि खुदा के हुक्मों पर अमल करें तो ये सारी बातें, पाक कलाम की बातों पर अमल करें तो सब कुछ जो है उसमें लिखा है जाप्ता ही आपने, ये किताब जो किताब ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, तो हम अगर उसके कलाम की तरफ जाएं, बाइबल को पढ़ें, तो बहुत सारी बातें प्यार मोहब्बत की बातें हम समेट सकते हैं। उसके बाद टीना विलियम्स की बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी, अपने बच्चों को रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है, वो कौन है? वो बाप है, बाप के मुतालिक बहुत अच्छा लिखा है, अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है, आओ आज सब मिलकर उस अजीम हस्ती के लिए दुआ करें, आए अल्लाह, आए खुदा, आए अल्लाह पाक, आए अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत फरमा उस वालद को, जो भी मैं भी गलत हूँ, दादा हूँ, आप भी माँ बाप सब कुछ हैं, तो दुआ करें ताकत फरमा
उस वालिद को जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है। हम अक्सर जो साथ फेसबुक माँ के हवाले से शायरी बहुत सारी बातें लेकिन माँ अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बाप उसके साथ ना हो, क्योंकि बच्चा दोनों की वजह से पैदा होता है और मोहब्बत जरूरी नहीं माँ को ही होती, बाप को उससे भी ज्यादा मोहब्बत होती कि बाप को ये फिक्र होती कि मेरा बच्चा शाम को भूखा ना सोए, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस की कमी ना आए, मेरे बच्चे के यूनिफॉर्म या किताबों की कोई भी परेशानी, चाहे कितना भी मजदूर हो बाप, वो कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे एक है दो है, आजकल तो बढ़िया के एक दो, लेकिन पुराने पांच पांच छह छह बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी वो उनको भी पालते थे और तालीम और तरबियत भी देते थे। तो बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है और हद और मगफरत जो जैसे कहते हैं कि मगफरत फरमाए फरमा उनके लिए, दुआ करे उनके लिए कि इस दुनिया से चले चले जाते हैं तो जो हयात हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए दुआ करे, मगफरत फरमाए और दुआ करे कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं, जाहिर जिंदगी है तो मौत भी है, जिसने आना है उसने जाना भी है, और जो मेहनत बाप करता है वो उसके बाद उसके जाने के बाद भी वो नजर आती है, फिर दुनिया याद करती है कि ये काम है कि हम जब जाने से पहले मकान बनाने या महल झूठे महल दूसरी चीजें इकट्ठी करके झूठ की कमाई हेरा फेरी की कमाई इकट्ठी करके महल या पक्के मकान तो बना ले, लेकिन वो खुदा को पसंद नहीं, लेकिन जो बाप मेहनत करके वो सबसे बड़ी बिल्डिंगे बनाता है कि अगर वो अपने बच्चे पढ़ा लेता है तो फिर उसके बाद भी लोग याद करते हैं ये फलाना का बच्चा है, या इसके माँ बाप ने बहुत मेहनत की, फिर उसके आगे बच्चों के बच्चे पढ़ जाते हैं, फिर नस्लें तब्दील हो जाती, और ये किस वजह से होता है, इस अजीम बाप की वजह से। और उस लिखा है और इनको लंबी उम्र और उम्र और सेहत कामल अता फरमा, जो हयात है जो जिंदा है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, जो ईमान के साथ जो सादिक और अमीन है, जो रिश्वत सतानी के साथ नहीं मेहनत की कमाई से, जो खुदा ने इंसान को सजा दी कि जब तक तू सुबह से लेकर शाम तक सीना नहीं भाएगा ये हलाल की कमाई है, और उस बाप के लिए जो ऐसी कमाई करता है ऐसे ईमानदारी से काम करता है उसके लिए दुआ करें कि वो जिंदा है कामल कामयाबी और औलाद की तरफ से, ये बहुत आखिरी बात खूबसूरत के, और औलाद की तरफ से सुकून और लातदाद खुशियां खुशी अता करे, आमीन। तो इसके बाद अगर उसने दूसरी पोस्ट भी टीना विलियम ने बाप के हवाले से लिखी है, टीना विलियम इटली में है, उन्होंने लिखा दिल करता है बाप के लिए, और वाकई बेटियां जो है वो बाप को बहुत प्यार करती हैं, खुद दिल करता है छोटी हो जाऊं, ये तो मेरा भी दिल करता है, मैं अक्सर शो में कहता हूँ कि दिल करता है मैं स्कूल में जाऊं, अपने स्कूल में सेंट विंसेंट हाई स्कूल अमृत नगर में जाऊं, फिर एक बार पढ़ू, फिर किताबों का बस्ता फट्टी लेके जाऊं, लेकिन वो ना फट्टी रही ना वो बस्ता रहा ना वो गाचनी रही जिससे फट्टी साफ करते थे, वो तो चीजें खत्म होगी, ना वो कलम धोआत रही अब, लेकिन दिल तो करता है, और यही मेरी बहन कह रही कि दिल करता है कि छोटी हो जाऊं बाबा को पास ले आऊं, बिल्कुल ये बिल्कुल हम जितने भी बहनें या बेटियां वाकई अपने भाइयों को और अपने बाप बाप को वाकई सच्चे और अच्छे मोहब्बत देती हैं और दिल से मोहब्बत करती हैं, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि मैं पास ले हम दिल करता है बोलूं आवाज सुनूं रोऊं तो डांट सुनूं, और अक्सर हम बेटियां जो बाप के सामने रोती हैं या कई किस्म के नखरे करती हैं तो बाप डांटता भी, तो कहती कि अगर मैं छोटी हो जाऊं बाप मेरा जिंदा हो पहले की तरह रोऊं जो फरमाइशें करूं डांटे भी सुनूं, और ये बड़ी किस्मत की बात है।
कि जिनके माँ बाप जिंदा है हयात हैं और बेटियां उनकी डांट भी सुनती हैं और प्यार भी लेती हैं उनसे। दिल करता है कोई कहानी सुनू, बिल्कुल बाबा से, तो बाबा से या बाप से या दादी दादे से कहानियां तो उस दौर में बहुत सुनते थे। आज से जो टीवी का दौर है तो बच्चे तो पास बैठते नहीं, कार्टून देखते रहते, फिल्में देखते रहते, बहुत सारी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम आते हैं, तो इसलिए वो जो कहानियां जिन्होंने अंधे से राती से माँ जी आज बात सुनाओ, बाबा बात सुनाओ, वो कहानी बात खत्म हो की दिल करता है कोई कहानी सुनू, कोई जानवर सोचू, दिल करता है वो हाथ मिले तकिया मेरा, वो तकिया मिले जिस पर बाबे के सर के नीचे में हाथ रख के या बाबे के हाथ पे मैं सर रख के सोती थी, वो हाथ मिले तकिया मेरा जिसके सर जिस पे सर रखू तो सो जाऊं, वो तकिया जो बचपन में बाप के साथ उसके उस तकिए के साथ जिसके साथ वो हाथ होता था और उस पे मेरा सर होता था वो मिले दीदी, वो तो तकिए या वो माँ बाप या वो प्यार वो माहौल वो बातें सब खत्म हो चुकी हैं। याद है हम लोगों के साथ ज्यादा, क्योंकि मौजूदा नस्ल के साथ ये चीजें नहीं, क्योंकि इनके साथ टीवी है, मीडिया है, टेलीफोन है, क्या वो और कुछ इतना कुछ आजकल तो बहुत सारे। अब मेरे अपने बच्चे सुबह में जाऊं, रात को जाऊं, दिन को जाऊं, तो वो उनके पास या टेलीफोन या टेबलेट क्या है वो आईफोन पता नहीं क्या कुछ है, मुझे तो चीजों को समझ भी नहीं इतनी, वो हर वक्त उतनी पे, तो अगर उनका मूड नहीं तो सब बच्चे ये नहीं, मैं जिस घर में भी जाओ पाकिस्तान में भी जाओ बच्चों हर वक्त इंटरनेट पे कार्टून गेम में खेलते रहते हैं, तो इसलिए माहौल बदल चुका है। साइंस का दौर है, नई टेक्नोलॉजी का दौर है, वो बाबों वाला दौर तो खत्म हो गया, अब तो डैडी वाला डैडे वाला या और कई किस्म की बातें आएंगे, लेकिन जेड़ा अब्बा जी दा या पापा जी दा या चाचा जी दा या बेबे जी दा दोसी वो खत्म हो चुके हैं। बहरहाल जो भी है ये तो जिंदगी है, जिंदगी में तो ये सब कुछ चलता रहता है, और खुदा करे कि हम हर तरह से अपने ईमान में मजबूत रहे। एक बार फिर हवाला पढ़ूंगा हबूक की किताब उसका दो बाप चार है, देख मतकबर आदमी का दिल रास्ती रास्त नहीं होता, जो बहुत अपने अपने को मगरूर समझता है इसलिए कि उसने इधर उधर की हराम की कमाई, और वो बहुत मगरूर होता और उसका दिल रास्ता वो साधक नहीं होता, लेकिन साधक अपने ईमान से जिंदा रहेगा जो वाकई खुदा से प्यार करता है, खुदा की बातों पर ईमान रखता है वो जिंदा रहेगा साधक, और उसका अजर उसको खुदा के पास जरूर जाके मिलेगा। साधक ईमान से जिंदा रहे, बेशक मतकबर आदमी ने मैं की मान दगाबाज है, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ऐसी जब आप नशा पीते तो फिर आप गलत बातें भी गलत काम भी करते हैं, तो वो मैं की दगाबाज है, वो अपने घर में नहीं रहता, बिल्कुल जो शराबी कबाबी इधर उधर की वो हमेशा अपने घर में कम तवज्जो देता है, वो पताल की मानद है, ताल की मानद है, अपनी हवस बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक बात, वो मौत की मानद है, कभी असुदा नहीं होता बल्कि सब कौमों को अपने पास जमा करता, किस लिए कि दिखाए कि मेरे पास जो कुछ है कैसे है कि लोग मेरी तारीफ करें, और सब मतों को अपने नजदीक फराम करता, क्या ये सब उस पर मिसल ना लाएंगे और तंजन ना कहेंगे कि इस पर अफसोस जो औरों के माल से मालदार होता है। और ये हवाला आज जब मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा था मुझे बहुत पसंद है कि ये बात देखें कि हमारे मुल्क में क्या कुछ गरीबों का माल खाकर माल बना रहे हैं, करोड़पति अरबपति होते जा रहे हैं, और यही इस हवाले का कि ये मिसल उस पर लाएंगे और तंजन कहेंगे लोग, और उनको लोग कहते चाहे वो गरीब हैं, उनको सब पता है कि ये कैसे ये इतना माल ये इतना सब कुछ कैसे, उनको मजाक भी करते हैं, मुंह पे साफ जी करते हैं, पीछ में तो पीठ पीछे तो वो भी उनको पता है कि ये कैसे करोड़पति बने हैं, और
उन पर अफसोस जो औरों के माल से मालदार बनते हैं, और ये बहुत खुदा की बातें, और खुदा की बातें तो झूठी नहीं हो सकती। एक आयत तो उसके बाद इसी की जो 9 आयत है उसमें लिखा, उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नजायज नफा उठाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई, मुनाफकत की कमाई, झूठी कमाई अपने बच्चों के मुंह में डालता हूं, तो फिर इसका मतलब है कि जो हराम की बातें, कमाई की बातें, झूठी नफरत की, मुतकब्बर की जो भी बातें हैं, मैं अपने अपनी औलाद में मुंतकिल कर रहा हूँ। कि जाहिर है जिसका खून है, जैसे उसने अपने माँ बाप को देखा करते, वही बड़ा होके करेगा। और यही इसमें लिखा कि उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए। वो हेरा फेरी से अपना आशियाना या पक्का घर, सीमेंटेड घर, कंक्रीट का घर बनाना वो तो बेकार है, जो के बुलंद की जो बुलंदगार होगा वो खुदा के पास होगा। अगर हम सच्चे ईमानदार अपने ईमान में मजबूत होंगे तो घर जो हमें मजबूत आशियाना मिलेगा वो खुदा के पास मिलेगा, क्योंकि उसके घर में घरों की कमी नहीं है। ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। वो बुलंदी पर घर झूठ की कमाई से, हेरा फेरी की कमाई से बुलंदी पर घराने या 4-5 मंजिलों का महल बना के, तो वो क्या महफूज होगा? कभी नहीं महफूज सकता। बादशाहते खत्म होगी, कितने कले पड़े हुए हैं जो खाली लोग जाकर वो हिस्ट्री देखते हैं, वो सारी कले इधर ही है ना, वो कुछ साथ तो नहीं ले गए। नाम तो जरूर है, लेकिन किसी ने अगर अच्छे काम किए तो उनका नाम अच्छा है, अगर उन्होंने बुरे काम किए हैं तो उनका नाम बुराई में भी आता है। तो इसलिए हमें अपने ईमान में मजबूत भी रहना चाहिए और अपने ईमान में सादिक और मजबूत रहें। और यही मेरा आज का टॉपिक था कि सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा, हम अपने ईमान से जिंदा रहेगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक कर अगर हमारा ईमान है तो हम जिंदा रहेंगे। उसकी बातों पर अमल करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। हम उसके पाक कलाम को पढ़ेंगे, हम उसकी बातों को मानेंगे। खुदाम यीशु मसीह की जो भी सच्ची और अच्छी और खूबसूरत गवाहियां हैं उन पर ईमान मजबूत रखेंगे। और हम जितने हम अपने ईमान में सादिक और मजबूत और जिंदा रहेंगे, हम कभी भी बेईमानी की मुतल्लिक सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे सामने खुदा बाप और खुदा बेटा होगा। हम उसकी रूह पाक की कुव्वत मांगेंगे, और जब हम रूह पाक की कुव्वत मांगते तो फिर वो कुव्वत हमें शैतान से, शैतानी ख्यालों से, बहुत सारी जो हेरा फेरी की जो गंदी सोची, गलत सोचे हैं, उनसे वो हमें बचने की ताकत देता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।